हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इतनी मेरी ज्वेलरी आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत शेयर करें और बहुत से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो ताकि मैं आपके नई नई ज्वेलरी लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो आज सॉरी जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है ये अगेन एक नेकलेस की। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत फंकी और ट्रेंडी एक नेकलेस मैंने बनाया है। तो आप प्लीज़ इसका भी वीडियो देखें। जैसे मैंने लास्ट बारी आपसे बताया था कि हम स्ट्रॉ कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ ज्वेलरी, तो यहाँ मैंने स्ट्रॉ ही यूज़ किया है वेस्ट मटेरियल ज्वेलरी बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ ये भी मेरा वीडियो देखें, पसंद करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रीनू और अगेन वेलकम इन माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई ज्वेलरी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मैं थोड़ी ट्रेंडी और फंकी ज्वेलरीज एक दो वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि स्ट्रॉ से हम कैसी ज्वेलरी बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट ज्वेलरी, तो आज मैं फिर आपसे एक ज्वेलरी शेयर करने जा रही हूँ जो अगेन एक स्टेटमेंट ज्वेलरी है, जो टीनेजर्स के लिए बहुत परफेक्ट है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जो हमेशा अपनी डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी ट्राई करती हैं नए नए ड्रेसेस के साथ, तो ये स्पेशली उनके लिए। अभी जो मैं बता रही हूँ आप उसको अलग अलग तरीके से किसी भी ड्रेस में पहन सकते हैं, और अगर थोड़ा सा और आइडिया लगाएं तो उसे बहुत सारी वेराइटी इसमें चेंज करके नई नई ज्वेलरी बना सकते हैं आप उसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अगेन आज का वीडियो। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो भी स्ट्रॉ से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए फ्रेंड्स स्ट्रॉ, जैसा हमने लास्ट बारी यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ लिए कुछ, और यहाँ पे मैंने कलर लिए हैं मेटालिक कलर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्प्रे कलर है, स्प्रे पेंटिंग जो हम वॉल पे यूज़ करते हैं, अगर आप वो ले सकते हैं तो आप वो भी ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेटालिक कलर लिया है, मेरे पास वो कलर नहीं है अभी, तो वो थोड़े कॉस्टली आते हैं मार्केट में। और मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश लिया है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें फेविकॉल चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेलवेट का पीस लिया है, वेलवेट का कपड़ा अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ग्लिटर जो शीट्स आती है हमारी आप वो ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कोई सा भी फैब्रिक का टुकड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेलवेट इसलिए लिया फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ी सी मुझे शाइनिंग चाहिए थी। और मैंने अगेन यहाँ पे कटर लिया है, और जो हम हमेशा अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं चेन, डोरी, या आपको जो भी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं घर पे आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, फिर हम अपना ज्वेलरी बनाएंगे। तो एक बात मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दूँ, हमने जो लास्ट ज्वेलरी बनाई थी उस पर हमने स्ट्रॉ का ये पोर्शन यूज़ किया था। आप देख सकते हैं स्ट्रॉ में दो पोर्शन होते हैं, यहाँ पे एक ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे एक पोर्शन दिया होता है। हमने ये वाला पोर्शन उस ज्वेलरी में यूज़ नहीं किया था, बट हम ये पोर्शन इस ज्वेलरी में यूज़ करेंगे। मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स कि हम जब स्टॉक काटते हैं तो बाकी चीज़ें वेस्ट हो जाएं। हमने लास्ट बारी ये पोर्शन यूज़ किया था, अब आपकी जो ज्वेलरी का ये पोर्शन बच गया हो स्टॉक का, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे छोटे छोटे पोर्शन में कट करना है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर लीजिए। ये जो जहाँ से हमारा ये पोर्शन टर्न होता है, यहाँ से हमें यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर आगे लेना है, हाफ सेंटीमीटर पीछे, हमें इतना पोर्शन कट करना है। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं जो इजीली ये टर्न हो जाता है, इतना पोर्शन हमें चाहिए। तो ऐसे फ्रेंड्स हमें दो तीन चाहिए ताकि हम एक इसे कुछ शेप दे सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया, इसे भी यहाँ से कट कर लिया, तो ये फ्रेंड्स एक पीस हो गया, एक जो हमारा सेकंड था, और एक और पीस हम कट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं करना क्या है, ये हमें तीनों को आपस में जोड़ना है। तो हमें इसके अंदर इस वाले स्ट्रॉ के पीस को डालना है। तो फ्रेंड्स ऐसे हमें थोड़ा यहाँ पे मोड़ के इसे डालना पड़ेगा, ये इजली वैसे चला जाता, बट अगर नहीं जाए तो आप इसे थोड़ा सा मोड़ लें और इसे अंदर डाल लें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जितना ज्यादा अंदर डालना चाहें ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसे शेप में हो गया। हमें यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप जैसा शेप बनाना चाहें वैसा शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे दो पीस लिए हैं। अब जो तीसरा पीस है उसे भी हम थोड़ा पहले पुल कर लेंगे। पुल करने पर ये जो पोर्शन है
वो पूरा खुल जाता है। उसके बाद इसे भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। तो आप ये देख सकती हैं, ये तीनों ऐसे हो गए। अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देती हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेविकॉल भी थोड़ा यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, अगर वो आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहें, इसे जितना ज्यादा आप प्रेस करेंगे वो उतना परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा शेप बन गया है। तो हमें ऐसे बहुत सारे शेप्स बनाने हैं और फिर इसे कलर करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे कॉपर कलर लिया है मेटालिक कलर में, तो मैं इसे कॉपर कलर से करूंगी। आपकी चॉइस है, आपको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो कलर करना है आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर ये जो बाकी हमारे पीसेस बच गए हैं, इनका क्या करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसे भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसके भी हम ज्वेलरी बनाएंगे। तो इसे आप फेंकिए नहीं, उसे भी हम यूज करेंगे। तो अभी ये जो मैंने बनाया है ट्राइंगल, अब हम इसे कलर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कलर करने के बाद हमें एक काम करना है, जब भी हमारा कलर हो जाए, हमें यहाँ पे जो भी हमने फैब्रिक लिया है या जो भी पेपर जो भी आपने लिया है तो वो ले लें। जैसे मैंने यहाँ पे वेलवेट का पीस लिया है, तो जब ये मेरा कलर हो जाए उसके बाद हमें यहाँ फेविकॉल से यहाँ स्टिक करना है इसे। इतना काम पहले हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पर कॉपर कलर किया है और नीचे फैब्रिक वेलवेट का लगा दिया है। अभी मेरा फाइनली ये पेस्ट हो गया, अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं, जो हमारा बाकी पोर्शन है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, मैंने इस तरह ये पीसेस काट के रखे हैं। आपको जितने ज्यादा पीसेस चाहिए आप उतने पीसेस उतने शेप में काट सकते हैं। मैंने सारे ट्राइंगल ट्राइंगल में काटे हैं। अब हमें फाइनली इसे पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चेन लिया हुआ है, अपनी कोई भी पुरानी वेस्ट चेन ले लें। अगर आपको ये कॉपर कलर मैच करना है, जैसे अगर आपने ये जो कलर किया उसे सेम कलर चेन में करना है, तो पहले आप इसे कलर कर लीजिए। तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा कॉपर कलर में किया हुआ है, ये मेरी चेन गोल्डन थी पहले, तो वो आपके ऊपर है अगर आप करना चाहें तो। अब हमें इसे चेन को रखना है, उसके बाद फिर हमें इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे अगर आप टेम्पररी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ग्लू गन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो या तो आप फैब्रिक क्विक का यूज करें, या तो कोई ऐसी एडिसिव यूज करें जो परमानेंट यहाँ पेस्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर इसे हम पेस्ट करते हैं। आपको जैसे भी इसे शेप में पेस्ट करना है आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पेस्ट करते हैं इसे। अब मैंने इसे पूरा अच्छे से पेस्ट कर लिया है चेन में। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये बहुत सुंदर शेप्स हैं। अगर आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अब ये फाइनल हमारे पहनने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल हमने बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ज्वेलरी बना लिया। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप तुरंत ऐसी ज्वेलरी बनाएं और पहने, और कोई गेस भी नहीं कर सकता कि शायद वेस्ट मटेरियल से आपने बनाया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम पहनते हैं, पहन के दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स आप ही देख सकते हैं, मैंने इसे फाइनली पहन लिया है, और ये आप ही बता सकते हैं ये देखने में कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो मेरी सारी ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। तो आप ये खुद गैस कर सकते हैं कि कितना सुंदर लग रही है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट ज्वेलरी आपकी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप इसके इयररिंग्स भी बनाएं, साथ में इयररिंग्स भी पहने। अगर आप चाहते तो इसके यहाँ पे अंगूठी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते इसके ब्रेसलेट भी बनाएं। फ्रेंड्स जितने आप आइडिया इसमें लगा के अपनी ज्वेलरी बनाना चाहते हैं अपने बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी और बहुत यूनिक ज्वेलरी आपकी बनके स्टेटमेंट एक ज्वेलरी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम स्ट्रॉ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी आप अपनी वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं जाने दें, प्लीज़ उसका घर पर यूज़ करें और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत बहुत शेयर करें। फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में मैं अब इसके वेस्ट मटेरियल और जो हमारे पास इसके पीसेस बच गए थे उसकी ज्वेलरी बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो भी देखें, सेकंड भी देखें, उसका थर्ड वीडियो भी देखें। थैंक यू।